हेलो एवरीवन आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर सबमिशन ऑफ़ द प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस एंड फॉर सबमिशन ऑफ द डेजर्टेशन प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस प्रिपेयर करने से पहले uh, और सबमिशन ऑफ डेजर्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये पॉइंट्स इसीलिए आपको ये जानने ज़रूरी हैं इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और uh, प्रोजेक्ट से रिलेटेड और सिनॉप्सिस से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड की हुई हैं प्रोजेक्ट के वाइवा में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी क्वेश्चन मैंने शेयर किए हैं और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है आप उसको भी देख सकते हैं स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा Uh, मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूँ सो लेट्स बिगिन सो ये है पॉइंट्स जो भी आपको ध्यान में रखने हैं ये पॉइंट्स जो हैं वो हैंडबुक में मेंशन है बेसिकली uh, जो स्टार्ट करते हैं तो पूरी हैंडबुक तो रीड करते नहीं हैं तो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए जो कि इसमें मैं बताऊंगी आपको तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस का दिया हुआ है कि कौन कौन से आपको ध्यान रखने चाहिए पॉइंट्स ठीक है तो उसको देख लेते हैं तो फर्स्ट इसमें यह बोला गया है कि सबमिट ओनली वन कॉपी ऑफ द प्रोजेक्ट सिनॉपसिस एंड रिटेन अ कॉपी विद यू ठीक है इसको आप ध्यान में रखना सेकेंड पॉइंट इन्होंने बताया है कि एम जो भी आपका कोड होगा उसको आप बहुत ही क्लियरली इंडिकेट करना ऑन द सोपसिस अप्रूवल फॉर्म ठीक है क्योंकि आ, अगर आपका ये जो कोड है वो मिस हुआ तो उसकी वजह से आपके रिजल्ट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा ठीक है तो आप इसको क्लियरली मेंशन करना ओके okay, नेक्स्ट आता है कि कौन कौन से अपेंडिक्स आपको मेंशन करने हैं ऐड करने हैं आपके सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट में इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है तो इसको आप केयरफुली देख लेना फर्स्ट सिनोप uh, अपेंडिक्स है सिनोपसिस के लिए प्रोफामा फ़ॉर अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट सिनोपिस मीन्स अपेंडिक्स फर्स्ट सेकेंड है फॉर्मेट फॉर सिनॉपसिस इवेल्यूएशन अपेंडिक्स सेकेंड थर्ड है गाइडलाइंस फॉर सिनोपिस इवेल्यूएशन अपेंडिक्स थर्ड ये जो गाइडलाइंस फॉर सिनोपिस इवेल्यूशन है इसमें पूरी गाइडलाइन दी हुई है uh, इस अपेंडिक्स में मैं भी कन्फ्यूज हुई थी कि मुझे ऐड करना है कि नहीं करना है बट इसको भी आपको ऐड करना है बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है कांस्टेंट लेटर ऑफ द गाइड जो अपेंडिक्स फोर है एंड बाय डेटा ऑफ गाइड अगर आपकी एकेडमिक काउंसलर अगर आपकी गाइड नहीं है कोई अदर है या फिर जो भी लिस्ट इग्नू की तरफ से दी गई है उस लिस्ट में से अगर आपका कोई गाइड नहीं है उस पॉइंट पे आपको गाइड का बायोडेटा पूरा मेंशन करना पड़ेगा जो कि अपेंडिक्स फ़ाइव में है ठीक है ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है अब नेक्स्ट आते हैं कॉपी ऑफ ग्रेड कार्ड रिगार्डिंग कंप्लीशन ऑफ एम पी सी ज़ीरो ज़ीरो फ़ाइव एंड जीरो ज़ीरो सिक्स जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आपका फर्स्ट ईयर में एम पी सी जीरो ज़ीरो फ़ाइव एंड ज़ीरो जीरो सिक्स ये दोनों पेपर क्लियर होंगे तभी आप एलिजिबल होंगे अपने प्रोजेक्ट वर्क को करने के लिए ठीक है अगर आपका आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है या किसी रीजन से मिस हो गया है या फेल हो गए हैं तो इन सारे कंडीशन में आप अपने प्रोजेक्ट को नहीं सबमिट कर सकते हैं नहीं स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं जब तक आप उस इन दोनों पेपर में आ, क्लियर नहीं हो जाते हैं ठीक है पास नहीं हो जाते हैं तो क्योंकि आपको यहाँ पे आपका ग्रेड कार्ड मेंशन करना होता है ठीक है सिनोपसिस प्रोजेक्ट में ओके okay, ये हो गए पॉइंट्स इस प्रपोजल के या फिर अपेंडिक्स के लास्ट पॉइंट उन्होंने बताया है कि दिनोपसिस ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी प्रिपेयर्ड इन प्रॉपर फॉर्मेट एज गिवन इन सेक्शन फाइव पॉइंट वन ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत अच्छे से डिटेल्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पे आप जाकर देख सकते हो ठीक है अब नेक्स्ट आते हैं फॉर सबमिशन ऑफ द डिजर्टेशन डिजर्टेशन में आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है द प्रोजेक्ट डिजर्टेशन शुड बी सबमिटेड इन ओरिजिनल ठीक है इट शुड बी ऑन ए फोर साइज पेपर विथ टाइप्ड इन डबल स्पेस एंड इन अ बाउंड वॉल्यूम ठीक है ओके नेक्स्ट इसमें है कि कौन कौन से अपेंडिक्स आपको मेंशन करने हैं तो फर्स्ट जो प्रोफामा आपने सिनॉपसिस में लगाया हो आपको अप्रूवल मिला होगा अप्रूव प्रोजेक्ट सिनोप्स प्रोफार्मा ये जो अप्रूवल आता है ये मेन आता है आपके मेल पे मोस्टली मेल पर ही आता है मुझे मेल पर ही आया था तो आपको क्या करना है उसका स्क्रीन लेकर उसमें अपने आप सिनॉपसिस में या प्रोजेक्ट में आपको मेंशन करना है ठीक है कि आपका सिनॉपसिस जो है वो अप्रूव्ड हो चुका है या अपेंडिक्स वन होगा ओके अपेंडिक्स वन ऊपर मेंशन करके आप अपना प्रोफार्मा पेस्ट कर सकते हो ठीक है सेकेंड है अप्रूव्ड प्रोजेक्ट सिनॉपसिस, ठीक है आपकी जो आ, अप्रूव हुई है सिनॉपसिस आपको उसको मेंशन करना है सेकंड थर्ड है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी जो कि अपेंडिक्स नाइन है इसको आपको मेंशन करना होगा सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन अपेंडिक्स टेन इसको भी मेंशन करना होगा अब आप देख लेना के अकॉर्डिंग आपको उसमें डिटेल्स क्या फ़िल करनी है ओके okay? इसको केयरफुली आप फिल करना अब लास्ट है कि रिकॉर्ड ऑफ विजिट एक्टिविटीज़ कैरिड आउट बाय द लर्नर जो कि अपेंडिक्स एट है अगर आपने विजिट किया है अपने गाइड के यहाँ तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पर मैंशन करना है परफॉर्मा जो होता है फॉर्मिट है जो वो अपेंडिक्स एट में दिया हुआ है बस आपको फिल करके इसमें ऐड करना है ओके अगर आपका ऑनलाइन हुआ है तो किस किस दिन किस किस तरीके से आपने क्लासेस ली हैं वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है ओके चलिए लास्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि लर्नर शुड कीप अ कॉपी ऑफ द प्रोजेक्ट डिजर्टेशन विद और हर एज द दे डिजर्टेशन विल नॉट बी रिटर्न टू द लर्नर ठीक है एक कॉपी आपको भी अपने पास रखनी होगी इन फ्यूचर आपके काम आ सकता है ओके ये हो गया पॉइंट्स टू रिमेंबर Uh, for submission of the project synopsis and uh, for submission of the dissertation i hope ye video aapke liye helpful ho helpful ho to please like karna apne doston ke sath share karna और मेरे channel पे हैं तो please मेरे channel को subscribe करना ऐसे ही informative videos मैं आपके लिए लाती रहूँगी so, मेरी videos को देखते रहिए thanks for watching